दोस्तों, एक कहावत बड़ी मशहूर है कि शादी का लड्डू जो खाए वो पछताए और जो ना खाए वो पछताए। लेकिन मैं आपके साथ आज ऐसा एक लड्डू शेयर करने वाला हूं जिसको आपको खा के पछताना नहीं पड़ेगा, बल्कि अगर आप इस लड्डू को इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा, जैसे बदन दर्द, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, मर्दाना कमजोरी, थकावट, बेचैनी, इस तरह की जो दिक्कतें हैं, अगर आप एक लड्डू लगातार 15-20 दिन खा लेते हैं तो इन सबसे आपको निजात मिल जाएगी और आप देखेंगे कि आपके अंदर स्फूर्ति भी आ जाएगी। तो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुशरफ हुसैन, मैं इसी तरह के हेल्थ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपके सामने लेके आता हूं। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन का बटन भी दबा लें, सो दैट इस तरह के हेल्थ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपको समय पर मिलते रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो इसका इंग्रेडिएंट है दोस्तों, वो है डेट्स या खजूर। आप करीब 200 से 250 ग्राम खजूर ले लीजिए, उनकी गुठली आप निकाल लीजिए। खजूर एक तो डाइजेस्टिव होता है, एनर्जी बहुत ज्यादा देता है, इसके अंदर फाइबर की बहुत ज्यादा मात्रा पाई जाती है, एंटीऑक्सीडेंट जैसे विटामिन सी पाए जाते हैं, तो उसके अपने आपको फायदे मिलेंगे। आप इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के चॉप करके एक तरफ रख दीजिए। अभी इसका आपको कुछ नहीं करना है, इसको बाद में इस्तेमाल करें। अब आपको लेने पड़ेंगे 50 ग्राम अखरोट की गिरी और करीब 50 ग्राम बादाम। पहले आप एक पैन में हल्का सा कुछ आधा चम्मच घी ले लेंगे, अखरोट जो है उनको धीरे धीरे रोस्ट करेंगे। जब ये दोनों अपना कलर चेंज कर लें, अच्छी तरीके से रोस्ट हो जाए, तो फिर इसको आप पैन से निकाल के बाहर रख देंगे। बादाम आपके ब्रेन के लिए, बालों के लिए बहुत अच्छी चीज है, ये अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बनाने में मदद करता है। और अखरोट आपके ब्रेन के लिए, आई की रोशनी के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, ब्रेन की मेमोरी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, तो इसके वो फायदे आपको मिलेंगे। और साथ ही साथ आप इसमें 50 ग्राम काजू भी ले लें। काजू को अलग से रोस्ट कर लें, वो थोड़े से जब पिंकिश होने लगे, ब्राउन होने लगे, तो उनको भी आप अलग करके रख दीजिए। काजू की भी अपनी अलग प्रॉपर्टीज है, उसके अंदर विटामिन, कैल्शियम, आयरन और भी बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, तो उसके आपको वो फायदे मिलेंगे। अब बात आती है उन खास 3 इंग्रेडिएंट्स की जो इसकी पावर को बढ़ा देंगे, इन लड्डुओं को एक तरीके से सुपर पावर दे देंगे। उसमें होंगे, उसमें पहले नंबर पे होगा पंपकिन सीड्स, या आपको अगर तरबूज खरबूज के भी सीड्स मिल जाते हैं, विग्री होती हैं, तुख्म जो होते हैं, उनको इस्तेमाल करें। करीब 25 ग्राम आपको ये सीड्स लेने पड़ेंगे। दूसरे आपको 25 ग्राम जो है वो सनफ्लावर सीड लेने पड़ेंगे, और उसी के साथ साथ आप इसको 25 ग्राम अलसी के जो बीज है वो लेने पड़ेंगे। इन तीनों को भी आप अच्छे से थोड़ा सा हल्का फुल्का सा रोस्ट कर लीजिए, क्योंकि इसको कूटने में आसानी लगेगी। और जब ये रोस्ट हो जाए तो इनको आप किसी मिक्सी में डाल के क्रश कर लें, थोड़ा सा पाउडर फॉर्म में लेके आ जाए इन तीनों इन्ग्रीडियंट्स को। अब इनको भी आप निकाल के अलग रख दीजिए। अब आपको चाहिए मेन, देखिए इसमें दो चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे तो आप भुने हुए चने ले लीजिए, उनको आप पाउडर बना लीजिए, या आप नारियल का बुरादा इस्तेमाल कर लें, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतर होगा कि दोनों चीज़ें आप आधी आधी मिला लें। करीब 100 ग्राम नारियल का बुरादा ले लें और 100 ग्राम आप करीब भुने हुए चने हैं उनका आप पाउडर इस्तेमाल करें, तो एक बहुत ही अच्छी तरीके से लड्डू बन के आएंगे जब आप इसको बनाना शुरू करेंगे। अब इन दोनों चीज़ों को भी आप भून लीजिए, जो आपने नारियल का बुरादा लिया था और जो आपने ये भुने हुए चने का पाउडर लिया है, इनको भी अच्छे से भून लीजिए, ब्राउन कर लीजिए। अब आपके सारे के सारे जो इन्ग्रीडियंट्स हैं वो रेडी है। अब बात आती है बनाने की विधि, कि अब इसको आगे कैसे बनाएं, लड्डू कैसे इसको हम बनाएंगे। तो जितने भी आपके ड्राई फ्रूट्स थे, अब उनको आपको पाउडर नहीं बनाना है, उनको आपको चॉप करना है। चाकू से किचन में आप छोटे छोटे टुकड़ों में उसको चॉप कर लीजिए। अगर आप चॉप नहीं कर सकते हैं तो मिक्सी में थोड़ा मोटा करके उसको पीस लीजिए। बट हाँ, याद रखें उसका पाउडर नहीं बनाना है, ऐसा रहे कि आपके दांत के नीचे आए तो उसका आपको स्वाद मिले। अब आपको एक कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा, करीब 1 चम्मच घी डालना है, उससे ज़्यादा नहीं, और उसके अंदर आपको जो खजूर आपने अलग रखे थे काट के, उनको आप डाल दीजिए। उनको थोड़ी देर उसमें आप चलाएंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे, और उसके साथ साथ बाकी जितनी चीज़ें थी आप उनको डाल दीजिए। अब इसमें देखिए, हो सकता है कि ये ना बने, तो उसके लिए आप इसमें शहद इस्तेमाल करें। उसमें उतना शहद डालें कि ये जब आप मुट्ठी से इसको बांधें तो ये बंध जाए। अगर आप डायबिटिक हैं तो फिर आप शहद इस्तेमाल ना करें, फिर कोशिश करें कि आप इसको वैसे बिना लड्डू बनाए खाएं, उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। बट आप अगर डायबिटिक नहीं है तो आप शहद मिला के इसको अच्छे से, उतना शहद मिला लीजिए कि इसके लड्डू बनने लगे। इसको थोड़ा सा मिक्स करके रख दीजिए और उतार लीजिए, थोड़ा सा गुनगुना रह जाए, अब इसको आप लड्डू बनाना शुरू कर दीजिए। आप एक लड्डू, जैसे लड्डू का साइज़ होता है उसी साइज़ के लड्डू बनाएं। इनको आप किसी एयर टाइट कंटेनर में रख दीजिए। रोज़ाना सुबह नाश्ते से पहले गर्म दूध के साथ आप इसको इस्तेमाल करना शुरू करें। छोटों को दे तो आधा कर दें, और अगर आप बड़े खाते तो पूरा एक लड्डू इस्तेमाल करें। इससे आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा फायदे मिलेंगे। बदन की कमजोरी तो दूर हो ही जाएगी, आपको ताकत भी मिलेगी, स्फूर्ति मिलेगी, कि आपका पेट ठीक रहेगा, और जो हमने बात की थी, जोड़ों का दर्द, बदन दर्द, घुटनों का दर्द, कमजोरी, वो दूर हो जाएगी, आपकी मेमोरी तेज हो जाएगी और आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।